रात के समय सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई का विरोध। किसानों ने सेफ्रा गुआर जीएसएस पर लगाया ताला। रात 1 बजे तक किसान बैठे जीएसएस पर धरने पर। सहायक अभियंता के आश्वासन के बाद खोला ताला। किसानों की दिन के समय बिजली सप्लाई देने की मांग। नमस्कार दोस्तों, खबर लोक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर लोक चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। झुंझुनू में किसानों द्वारा रात के समय सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई देने का विरोध शुरू हो गया है। देर रात को खेतड़ी इलाके के सेफ्रा गुआर जीएसएस पर किसान धरने पर बैठे रहे और रात के समय बिजली सप्लाई देने का विरोध किया। किसानों ने रात को सेफ्रा गुआर जीएसएस पर बिजली कर्मचारियों को बाहर निकाल कर ताला लगा दिया और रात 1 बजे तक किसान धरने पर बैठे रहे। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि सिंचाई के लिए दिन के समय ही बिजली दी जाए। अब डिस्कॉम की ओर से रात के समय सिंचाई के लिए बिजली दी जा रही है। किसान दिन भर बुआई में लगा रहता है, इसके बाद रात को सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई देने से किसान की परेशानियां बढ़ जाती है। किसानों ने बताया कि रात के समय 11 बजे से सुबह 4 बजे तक बिजली दी जाती है, जिसके कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जीएसएस पर तालाबंदी और धरने की सूचना के बाद सहायक अभियंता मोहन लाल स्वामी ने किसानों से बातचीत की और दिन में विद्युत सप्लाई सुचारू करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने जीएसएस पर लगाई तालाबंदी हटा दी और कर्मचारियों को जीएसएस के अंदर प्रवेश करने दिया।